लोग जितने भी सदस्य हैं, तो सदन में नारेबाजी हो रही है वो आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चार प्रत्याशी मैदान में हैं, आमिल मलिक श्रीराम कॉलोनी वार्ड से हैं, और उसके बाद रविंदर कौर फतेहनगर वार्ड से, सारिका चौधरी दरियागंज से, मोहिनी जीनवाल हैं सुंदर नगरी वार्ड से। बीजेपी की तरफ से तीन प्रत्याशी मैदान में हैं, कमलजीत सहरावत हैं द्वारका बी वार्ड से, पंकज लूथरा झिलमिल वार्ड से, और एक निर्दलीय जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए गजेंद्र सिंह दराल, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, वैसे पहले मोदी मोदी के नारे लगे, फिर केजरीवाल केजरीवाल के, अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है कि नंबर्स क्या हैं। इन छह में से चार दो होता है, तीन तीन रहता है, तीन तीन रहता है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। चार दो होता है तो टाई होगा बाहर, नौ नौ, वो ऐसे कि सात जोन में बीजेपी स्ट्रांग है। वैसे चार में तो है ही, 12 जोन है दिल्ली के एमसीडी के, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और 6 यहां से सदस्य चुन के जाते हैं, टोटल 18 सदस्य होते हैं, 6 के लिए वोट हो रहे हैं। 12 जोन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 पर बीजेपी स्ट्रांग है, 5 पर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, लेकिन 3 जगहों पर जो मनोनीत पार्षद जो अधिकार है उन्हें वोटिंग का जोन में, और एलजी ने चुने, वो स्पेसिफिक उन जोन में, यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया जहां पर बीजेपी कमजोर है। तो यानी कि वहां पर एलजी के चुनने के बाद वहां पर बीजेपी स्ट्रांग हो जाती है, उस सूरत में 12 में से 7 पर बीजेपी स्ट्रांग हो गई है, और अगर यहां पर वो 3 जीत जाती है तो नंबर हो जाएगा 10, और अगर ये 2 जीतते हैं तो नंबर रहेगा 9। अब अगर नंबर 9 रहता है और आम आदमी पार्टी बाहर 5 वार्ड में मजबूत है, जिसमें सदर पहाड़गंज, साउथ वेस्ट, करोलबाग और रोहिणी जोन है स्पेशली, और 4 यहां पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो 9 हो जाएंगे, यानी कि 9 और 9 का टाई हो जाएगा। और अगर यहां पर आम आदमी पार्टी 3 ही जीतती है तो फिर उसके पास 9 नहीं हो पाएंगे, 8 रह जाएंगे, 10 उधर, तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का बनेगा। ये सिंपल सा गणित है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के पास जो पावर है वो इसे सिंपल रहने नहीं दे रही है। बीजेपी हर हाल में कोशिश कर रही है कि वो यहां पर अपने नंबर्स न सिर्फ बचाए बल्कि अपनी स्थिति को भी बचा के रखे। दिल्ली में सरकार नहीं है, लंबे समय से सूखा है, निगम की सत्ता चली गई है लंबे समय शासन करने के बाद, और अगर स्टैंडिंग कमेटी में भी नंबर नहीं बचा पाते हैं या जगह नहीं बचा पाते हैं तो फिर तो खाली हाथ हो जाएंगे। इस सूरत में बीजेपी कोशिश कर रही है कि अच्छे नंबर्स रहें।
एमसीडी सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के लिए काउंटिंग जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और सदन में पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा तो मान लीजिए जैसे सदन की पहचान ही बन गया है, बिना हंगामे के तो शायद कोई काम ही नहीं होगा। स्टैंडिंग कमेटी के लिए काउंटिंग जारी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, देखिए क्या रहता है। एक वोट अमान्य घोषित हुआ है, ये साफ नहीं हुआ है कि वो किसका है, लेकिन जैसे कि आम आदमी पार्टी वालों ने जश्न मनाया तो एक मैसेज ये गया कि शायद बीजेपी की तरफ से ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम उन तस्वीरों और संभावनाओं पर बात कर रहे हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। एक वोट कैंसिल होने के बाद कुल 242 दोस्तों, देखिए इसमें होता यह है कि जो सांसद होते हैं और जो विधानसभा के स्पीकर 14 विधायक चुनते हैं, जिसमें 13 आम आदमी पार्टी के एक बीजेपी का है, इन्हें वोट का अधिकार नहीं होता, लेकिन मेयर के चुनाव में होता है, यहां पर नहीं होता। तो 250 में से दरअसल 242 जो है वो वोट पड़े हैं और एक जो है वो कैंसिल हो गया है, तो हंगामा यानी कि अब काउंटिंग होगी 241 में से। तो सदन की पहचान ही हंगामा हो गया है, हंगामा हो रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।